हाय स्टूडेंट, पिछला जो हमारा जो वीडियो था वो इम्पोर्टेंट ऐसा वीडियो था जिसमें हमने कन्वर्शन फैक्टर जो है लीटर और मीटर क्यूब में क्या कन्वर्शन फैक्टर है, वॉल्यूम जो है सॉलिड में बॉडी अगर है तो हम मीटर क्यूब में उसको मेजर करते हैं और लिक्विड अगर है तो उसको हम लीटर में कन्वर्शन करते हैं। तो वो भी एक इम्पोर्टेंट वीडियो था और आज का भी बहुत इम्पोर्टेंट ऐसा वीडियो है जो साउंड जो है उसके जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स है साउंड के रिलेटेड क्या क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, 10 ऐसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आज हम आपको समझाएंगे। तो उसमें का जो फर्स्ट जो पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट, साउंड ट्रेवल्स थ्रू ऑल स्टेट्स ऑफ मैटर दैट इज सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस। ओके, उसके बाद साउंड ट्रेवल फास्टर इन सॉलिड देन लिक्विड और गैसेस। साउंड की जो वेलोसिटी जो होती है वो सॉलिड में ज़्यादा होती है लिक्विड या गैसेस से। ओके, यानी मेटल में जो है वो मेटल में साउंड ज़्यादा फास्ट रहेगा देन अदर बॉडीज। ओके, उसके बाद थर्ड जो पॉइंट है, थर्ड पॉइंट वो भी इम्पोर्टेंट है, ऐसा थर्ड पॉइंट इम्पोर्टेंट है, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विथ स्टडी ऑफ साउंड। जिस ब्रांच में साउंड की स्टडी और उसके प्रॉपर्टी की स्टडी क्या करते हैं, स्टडी करते हैं उसको हम, वो ब्रांच का क्या नाम है, दैट इज द अकॉस्टिक्स ब्रांच। वो ब्रांच को हम क्या कहते हैं, अकॉस्टिक ब्रांच। ओके, उसके बाद ऑडिबल फ्रिक्वेंसी जो रेंज है, यानी ह्यूमन बींग टू हियर ऑडिबल साउंड कौन सी फ्रिक्वेंसी रेंज होना चाहिए, मिनिमम जो लोअर फ्रिक्वेंसी जो रेंज होगी वो होगी 20 हर्ट्ज से लोवेस्ट फ्रिक्वेंसी रेंज है, और ज्यादा से ज्यादा 20 किलो हर्ट्ज तक फ्रिक्वेंसी रेंज अगर साउंड की रही तो वो ह्यूमन बींग क्या कर सकता है, परसेप्शन कर सकता है। और इसके अभाव अगर ज्यादा अगर फ्रिक्वेंसी अगर रही तो वो जो साउंड रहेगा इट इज अ हार्मफुल अवर हियर। ओके, उसके बाद साउंड इज अ लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स इन ईयर। साउंड जो है वो लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स है ईयर में। साउंड जो है वो सरफेस वेव्स भी हो सकता है। ओके, उसके बाद वेलोसिटी ऑफ साउंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा पॉइंट है, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन ईयर इज 343 मीटर पर सेकंड। कौन से टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर एंड एटमोस्फेरिक प्रेशर पे है। ओके, मानो अगर 0 डिग्री सेल्सियस पे है, अगर टेम्परेचर अगर 0 डिग्री सेल्सियस है तो वहां साउंड की जो वेलोसिटी रहेगी या स्पीड रहेगा वो कितना रहेगा, 331 मीटर पर सेकंड। ओके, उसके बाद सेवन पॉइंट क्या है, साउंड डू नॉट पास थ्रू वैक्यूम। बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा पॉइंट है, साउंड डू नॉट पास थ्रू वैक्यूम। साउंड को पास होने के लिए, साउंड इज अ लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स और लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स को अगर मीडियम से अगर प्रोपोगेट अगर करना है तो मटेरियल मीडियम की जरूरत होती है, और वैक्यूम ऐसी रीजन होता है देयर इज अ नो एयर, इट इज अ फ्री स्पेस, सो साउंड डू नॉट पास थ्रू वैक्यूम। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स, साउंड के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, साउंड के कैरेक्टरिस्टिक्स है पीच, दिस पीच इज रिलेटेड टू फ्रीक्वेंसी, लाउडनेस, लाउडनेस इज रिलेटेड टू इंटेंसिटी। उसके बाद टिम्बर, टिम्बर जो होता है इट इज द साउंड की जो टोन जो होती है, क्वालिटी ऑफ साउंड इज डील्स विथ टिम्बर। उसके बाद वेवलेंथ, ये तो इंपॉर्टेंट ऐसा पैरामीटर होता है हर वेव्स का। उसके बाद ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा है, इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज मेजर्ड इन डेसीबल। इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज मेजर्ड इन डेसीबल, इंटेंसिटी ऑफ साउंड एंड इट इज रिलेटेड टू लाउडनेस। जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड जो हमने पहले आपको समझा है उसमें इंटेंसिटी ऑफ साउंड जो है वो लाउडनेस के क्या है, रिलेटेड है, और इट इज मेजर्ड इन डेसिबल स्केल पे इंटेंसिटी ऑफ साउंड क्या करते हैं, मेजर करते हैं। उसके बाद टेंथ जो एप्लीकेशन है, टेंथ एप्लीकेशन
सॉरी टेन जो पॉइंट रहेगा, टेन पॉइंट कौन कौन से प्रॉपर्टी ओबे कर रहा है, दैट इज रिफ्लेक्शन, उसके बाद है रिफ्रैक्शन, उसके बाद है इंटरफेरेंस, उसके बाद है डिफ्रैक्शन, ओके, उसके बाद है एब्सॉर्प्शन। ये होगा हमारा 10 पॉइंट। और 11 पॉइंट आप साउंड का अप्लीकेशन दे सकते हो। साउंड इज यूज इन अल्ट्रासोनिक क्लीनिंग, क्लीनिंग सरफेस करने में भी साउंड का यूज होता है। मेडिकल फील्ड में साउंड का अल्ट्रा साउंड इमेजिंग, अल्ट्रासाउंड इमेजिंग, इसको हम अल्ट्रासोनोग्राफी कहते हैं या सोनोग्राफी कहते हैं। तो उसका जो है वो इंटरनल पार्ट जो होते हैं हमारे बॉडी के, वो डिटेक्ट करने के लिए अल्ट्रासाउंड इमेजिंग का टेक्निक यूज किया जाता है। तो इस तरह से सिंपल ऐसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है हमने आपको समझाया है साउंड के। वीडियो आपके फ्रेंड को शेयर कीजिएगा, और अगर हमारे चैनल पे अगर नए अगर यूजर है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। थैंक यू सो मच।